Find the distance of the point minus 1, comma 1 from the line 12 times x plus 6 minus, this is equal to 5 times y minus 2. इस पॉइंट का हमने इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय, डिस्टेंस है तो वी आर टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, ax1 प्लस by1 प्लस, हाँ जी यहां नहीं होगा क्योंकि उसको हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, लगा भी दोगे तो वो गलत नहीं काउंट होगा क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव लेना है हमने, यहाँ भी पॉजिटिव लेना है, इससे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी नहीं, तो इसलिए यहाँ लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो पहले, 12x plus 72 is equal to 5y minus 10, so this is 12x minus 5y plus 82 equal to 0. अब x हमें x1 minus 1 given है, y1 हमें plus 1 given है, put the values, 12 into minus 1 minus 5 into 1 plus 82 upon में root a square plus b square, 12 square 144 plus 5 square 25. So this is minus 12 minus 5 plus 82 upon 144 plus 25, 169 root is 13. So this is 65 upon 13, that is 5 units. Distance hai to units likha jayega saath mein, 5 units is the distance. Clear? दोबारा देख लो इसको, हमें गिवन है वी आर टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट माइनस वन कॉमा वन फ्रॉम दिस लाइन, लाइन की इक्वेशन हमने लिख ली, इसको सिंप्लीफाई किया ब्रैकेट्स को, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0. अब इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, यूज द फॉर्मूला ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square under the root a square plus b square. 12 इंटू एक्स वन की जगह माइनस वन माइनस फाइव इंटू वाई वन की जगह वन प्लस 82 एज इट इज डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 25 रूट 169 इज 13 सिंप्लीफाई किया एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distances from the line x by 3 plus y by 4 is equal to 1 are 4 units. अब हमें point निकालना है और हमें distance given है, ठीक है? तो let the point be, point किस पे है? आपका x axis पे है, तो point will be of the form x comma 0. So let the required point is let the required point is x comma 0. So aapka equation of line given hai x by 3 plus y by 4 equal to 1. So isko simplify kar lenge, we will get 4x plus 3y is equal to 12. LCM liya, 12 idhar chala jayega, 1 se multiply hoke ye 12 aa gaya. ये आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर फोर प्राइम्स. सो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई 4x plus 3y equal to 12. अब इस लाइन का x comma 0 से जो हमें डिस्टेंस गिवन है दैट इज गिवन टू बी 4. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा लोगे, यहाँ आप h कॉमा 0 भी ले सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको,
तो ये बन जाएगा आपका 4h प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 अंडर द रूट, और ये हमें 4 के इक्वल गिवन है, तो 4 इज इक्वल टू 4h माइनस 12 बाय 20। मॉड हटाओगे तो इस साइड प्लस माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा ये आपका 80 प्लस माइनस में, दिस इज इक्वल टू 4h माइनस 12। तो h की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक बार इसको पॉजिटिव लेके चलो, एक बार नेगेटिव लेके चलो, h की दोनों वैल्यूज विल गिव यू द आंसर, h कॉमा 0 के फॉर्म में आप आंसर दे देंगे। तो फाइंड द वैल्यूज, एक हो गया 4h इज इक्वल टू 92 और दूसरा हो गया आपका 4h इज इक्वल टू 68। 4x है ना, h कॉमा 0 से पास कर रहे हैं तो फॉर्मूला, हाँ मैंने h कर दिया, कंफ्यूजन ना हो था, x ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से h आ गया आपका 23 और यहाँ से h आ गया आपका 17। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 23.0 एंड 17.0। इसमें कहीं कोई कैलकुलेटिंग मिस्टेक है, यहाँ गलती है, दिस इज रूट 5, यहाँ 5 आएगा, ये 20 आएगा, सो हाँ दिस विल बी 32, 8 आ जाएगा एंड यहाँ आएगा आपका माइनस 8, तो दिस विल बी माइनस 2। बच्चे सी द कैलकुलेटिंग मिस्टेक आई हैव मेड ओवर हियर, दिस इज रूट 25, तो यहाँ 5 आएगा, हियर इट विल बी 20, सो मेक द करेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, एक बार इसको प्लस 20 के साथ लिया, 20 इज इक्वल टू 4h माइनस 12 और एक बार माइनस 20 के साथ, ठीक है। नाउ सिक्स क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला है आपका डायरेक्ट यहाँ पे, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन होगी आपकी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, सिंस द लाइंस आर पैरेलल तो दोनों की स्लोप्स इक्वल होती हैं, तो ax प्लस by ये कोफिशिएंट्स x और y के सेम होंगे विद सेम साइंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में हमें इक्वेशंस क्या-क्या गिवन है, 15x प्लस 8y एक जगह माइनस 34 है, दूसरी तरफ प्लस 31 है, हाँ जी नहीं, क्योंकि यहाँ ये चीज सेम होती है, तभी स्लोप इक्वल होगी तभी लाइंस पैरेलल होंगे, कोएफिशिएंट्स भी वेरिएबल्स भी सेम होंगे। अब लाइंस हमें गिवन है 15x प्लस 8y माइनस 34 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31। ये आपका c1, ये c2, ये a, ये b, लाइंस पैरेलल हैं तो सीधा वैल्यूज पुट करो एंड गेट योर आंसर, c1 माइनस 34, c2 माइनस प्लस 31, तो ये हो जाएगा माइनस 34 माइनस 31 इज इक्वल टू अपॉन में 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर, कर लोगे? अगेन द पॉजिटिव वैल्यू यू आर टू टेक बिकॉज द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेम वे में यू विल डू द सेकेंड पार्ट।
डिस्टेंस से आगे यूनिट्स आ जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। चले अगले पे। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 2, 3। इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हैं, या तो जो आपको गिवन है लाइन पैरेलल उससे आप स्लोप निकाल लो। लाइन आपकी जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट आपको गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी इट मींस गिवन है, तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 2, 3। अब मुझे इसके पैरेलल लाइन निकालनी है। व्हेनेवर द लाइंस आर पैरेलल तो ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स आपके सेम होते हैं। तो एनी लाइन पैरेलल टू 1 इज ऑफ द फॉर्म थ्री एक्स माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट्स डिफर करते हैं व्हेनेवर द लाइंस आर पैरेलल। तो अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। ये पैरेलल लाइन आ गई एंड दिस इज पासिंग थ्रू माइनस 2, 3। तो माइनस 2, 3 जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2। सिंस लाइन 2 पासिस थ्रू माइनस 2, 3, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 माइनस 6 माइनस 12 प्लस के इक्वल टू 0 यानी कि के इज इक्वल टू 18। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज थ्री एक्स माइनस 4y प्लस के की जगह 18 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, दोबारा देख लो इसको। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू माइनस 2, 3। यानी कि जो पैरेलल लाइन है, मतलब जो लाइन हमने निकालनी है वो इसके पैरेलल है और वो पैरेलल लाइन इस पॉइंट से पास कर। तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो यहाँ से क्योंकि ये वाली लाइन आपकी माइनस 2, 3 से पास कर रही है तो माइनस 2, 3 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये आ गया, पुट करके के की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल में सेम रहता है। जब परपेंडिकुलर होते हैं, मान लो आपको लाइन गिवन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर मुझे निकालनी है तो कोफिशियंट्स इंटरचेंज कर दो और y वाले का साइन चेंज कर दो। आप वैसे x वाले का भी चेंज कर दे कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं y वाले का चेंज कर देते हैं। a की यहाँ आ गया y के साथ, b यहाँ आ गया और इसका साइन पॉजिटिव था, ये मैंने नेगेटिव। ये किसके लिए है? फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस गिवन है तो जो यहाँ पे x y के कोफिशियंट्स गिवन है एज इट इज ले लो, बस कॉन्स्टेंट आपका जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दोनों में से जो इजी लगे यू कैन डू विद दैट। नोट डाउन करना था, कर लेना। आपको नहीं हुआ तो फिर मेरे से दोबारा पूछ लेना। अच्छा, अब इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होती है? माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी हमारी? 3/4। जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसकी स्लोप भी 3/4 होगी। और कौन से पॉइंट से पास कर रही है? माइनस 2, 3 से। सो एनी लाइन पैरेलल टू 1 पासिंग थ्रू माइनस 2, 3 हैज अ स्लोप सेम रहेगी एंड पासिंग थ्रू माइनस 2, 3। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई
माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन. स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो वी विल यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म. सो वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री बाई फोर टाइम्स एक्स माइनस थ्री. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइन. सो फोर वाई माइनस थ्री एक्स. कहीं पे कोई कैलकुलेटिंग मिस्टेक है, एक बार चेक कर लो. 3x minus 4y minus 3 on this. Somewhere the calculating mistake is there. Check the calculations. मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट गलत पुट किया है. दिस इज एक्स प्लस टू, एक्स माइनस एक्स वन होता है ना. सो दिस इज माइनस 18. अभी भी कहीं कुछ मिस्टेक है. ओके ठीक है, ये अब इसको रीराइट कर लो. नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, 3x माइनस 4y प्लस 18. आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा. नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, सो 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन टू द परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y. ये कर दो, इरेज हो गया नोट डाउन. अब परपेंडिकुलर वाला है पॉइंट, लाइन हमें गिवन है x माइनस 7y plus 5 equal to 0 and having the x intercept as 3. x intercept as 3 यानी कि पॉइंट क्या है आपका 3, 0. जब आपको x intercept given होता है तो y coordinate 0 लेते हो, y intercept given होता है तो x coordinate आप 0 लेते हो. अब यहाँ पे slope of line क्या आएगी, minus coefficient of x divided by coefficient of y. 1 by 7 आ गया ये. क्लियर है यहाँ तक मधु? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पूछो. गिवन है ये. हाँ हाँ बच्चे, इसमें जो हमारी फॉर्म करके आंसर आया था दैट वाज सेम. के 18 नहीं आया था आपका? हाँ तो फिर उसमें पुट करके लास्ट में मैंने ये लिखा बच्चे, क्यों चेंज होगी? 3x माइनस 4y ये एज इट इज आ गया. कांस्टेंट हमने k इज इक्वल टू 18 निकाला था उसमें. तो 3x minus 4y plus 18 equal to 0 is required equation है, वो given है. हाँ जी, उसका भी यही निकला था. ये दूसरे method से करोगे तब भी यही निकले. दोनों में से method कहाँ? अब clear है? अब वापिस आओ इस question पे. इसमें हमें given है find the equation of the line perpendicular to this line. अब परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है तो स्लोप हमने निकाल ली 1/7. तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 1 हैज अ स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा. ठीक है, अब पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 0. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. m है माइनस 7, x माइनस x1 इज 3. सिंप्लीफाई कर लो इसको, y माइनस 7x प्लस 21. सो दिस इज 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0. इसी को अगर दूसरे मेथड से करोगे तो इक्वेशन ये गिवन है हमें, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0. ये ऑल्टरनेटिव मेथड है आपका. तो इक्वेशन एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस is of the form, इनके constants, coefficients interchange कर दोगे, 7x और ये वाला sign आप change कर दोगे, plus k is equal to 0. Now this is passing through 3, 0. So 7 into 3 plus 0, हाँ? ये बच्चे same question है, या इस method से कर लो, या इस method से कर लो, question same है. अगर मैंने slope वाला concept use करने है, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म बना के करना है, तो पहले मैंने इसकी स्लोप निकाल ली क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया. ये स्लोप आ गई, ये पॉइंट गिवन है, तो आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन.
यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट कंसेप्ट यूज किया, कोई भी लाइन के जब परपेंडिकुलर लाइन निकालनी होती है कोफिशियंट्स एक्स और वाई का इंटरचेंज करके वाई वाला साइन चेंज कर देते हैं। तो कोफिशियंट इंटरचेंज करोगे, इसका वन है इसका सेवन है, ये सेवन और वन इंटरचेंज करके लिख दिए, वाई वाले का साइन चेंज कर दिया, प्लस के टाइम्स जीरो। ठीक है, अब किससे पास कर रही है, 3,0 से, तो के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू जो है वो आप इसमें पुट कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर, चाहे इस मेथड से कर लो चाहे उससे कर लो, जो इजी लगता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, हाँ ये भी उतना ही पड़ेगा, इसमें मतलब पूरी डिटेल लिखी हुई है ना, तो जब आप एमसीक्यू फॉर्म में करोगे तो यू नीड नॉट राइट दैट। Between the lines root 3x plus y equal to 1 and x plus root 3y equal to 1. अब हमें, हाँ जी, हाँ, अब हमें दो lines given है और हमें उनके बीच में एंगल जो है वो निकालना है। तो एंगल के लिए हमने फॉर्मूला किया हुआ है, tan theta is equal to modulus में m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 या m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो क्योंकि हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं, जब तक हमें कहा ना जाए तो मॉड्यूलस का साइन यू आर टू टेक। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट इक्वेशन इज रूट 3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड द सेकंड इक्वेशन इज x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1। स्लोप बताओ दोनों की क्या आएगी, इसकी स्लोप माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई दैट इज माइनस रूट 3x और इसकी स्लोप माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई। ठीक है, क्लियर? ऐसे नहीं समझ आता तो आप इसको रीराइट कर लो, y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 1, फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो, तो m की वैल्यू आ गई आपकी माइनस रूट 3। इससे भी ऐसे ही करोगे, रूट 3y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3x, तो ये आ गया आपका। हाँ जी, पहले वाला फिर लर्न रखना पड़ेगा कि माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ y प्लस c। ठीक है, अब tan theta angle between the lines is given by m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, so tan theta is equal to m2 minus m1 minus 1 by root 3, ये minus और ये वाला minus plus हो जाएगा, root 3 upon में 1 plus minus into minus is plus 1 by root 3 into root 3, so ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, so this is minus 1 plus 3 upon root 3 और 1 plus 1 is 2, so tan theta is equal to 2 upon 2 root 3, 2 से 2 अगेन कैंसिल आउट हो गए, tan theta हमारे पास रह गया 1 by root 3, so theta is 30 degree, so the angle between the two lines is 30 degree। ठीक है, सिर्फ calculations हैं, formula learn होना चाहिए, ये पूरा chapter आपका totally जो है formula based है, अगर formula आपको सारे इनके आते हैं तो you will be able to do this chapter very easily। चलिए next पे, after this one more chapter we will do limits वाला chapter हम करेंगे, सिर्फ limits है, derivatives वाला part नहीं है,
एंड देन जो हमारा सितंबर टेस्ट तक का सिलेबस होगा दैट विल बी फिनिश्ड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर 10. हमने लिमिट्स वाला पार्ट और करना है चैप्टर 13. डन बच्चे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में द लाइन थ्रू द पॉइंट्स एच कॉमा 3 एंड 4.1. इन पॉइंट्स से जो लाइन है दैट इंटरसेक्ट्स द लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल. यानी कि ये लाइन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 और ये वाली जो है h कॉमा 3 एंड y कॉमा 1. ये लाइन जो है इन पॉइंट्स से पास कर रही है वो इस गिवन लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है. वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है. अब सिंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो देयर स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1. सो यहाँ पहले y कॉमा 1 4 कॉमा 1 और एच कॉमा 3 से अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो स्लोप ऑफ ए बी जो है दैट विल बी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस एच और इसको अगर मैं एल मान लेती हूँ तो स्लोप ऑफ एल इज गिवन बाय माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई. सो दिस इज 7/9 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस एच. ठीक है, क्लियर यहां तक. अब सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर सो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ एल स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू माइनस 1. वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एच. इसको सिंप्लीफाई कर लो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी. नहीं समझ आया दोबारा देख लो. हमें गिवन है लाइन फ्रॉम h कॉमा 3 एंड 4.1. ठीक है, दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दिस लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल. यानी कि इन दोनों पॉइंट्स से पास करने वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर. जब लाइंस परपेंडिकुलर गिवन होती है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस 1. तो मैंने ये टू पॉइंट्स मुझे गिवन थे. व्हेनेवर द टू पॉइंट्स आर गिवन टू मी आई कैन फाइंड आउट द स्लोप. फॉर्मूला यूज कर लिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, ये स्लोप आ गई मेरे पास इसकी. अब दूसरे वाले की स्लोप माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ y तो वो आ गया 7/9. लाइन की स्लोप का फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन 1 माइनस 3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. 4 है. हाँ जी, एक्सटेंड हो. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसके लिए माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ y. स्लोप्स आ गई, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, सो बच्चे विद दिस योर टुडेज लेक्चर इज ओवर. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क फॉर द डाउट. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट. अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग. Fine then, thank you. Have a nice day. Homework parts, आपके जो even वाले हैं that you are to try again.